नमस्कार दोस्तों, मैं मुझे आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ट्रेडमार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आया हुआ है कि कैन अ नेम बी रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क इन इंडिया इफ़ समवन एल्स ऑलरेडी हैज़ अ सिमिलर बिजनेस नेम। यानी इनका कहना है कि क्या इंडिया में कोई ट्रेडमार्क ऐसा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है या हो सकता है जिसका पहले से ही इंडिया में जो बिजनेस नाम हो। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं और दो क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है। पहला तो हर एक देश का अलग अलग अपना ट्रेडमार्क का एक्ट होता है, मैटर होता है। तो मैं दोनों प्रोस्पेक्ट आपको समझा देता हूँ। पहला, अगर मान लीजिए कोई इंडिया में बिजनेस करना चाहता है और उस जैसे मान लीजिए यूएस की कोई कंपनी है और इंडिया में अपना ब्रांच खोलना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, और अगर वो यूएस में रजिस्टर्ड है तो ऐसा नहीं है कि उसका जो ट्रेडमार्क है यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही वो कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आएगी तो उसको इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्ट है, जो अभी DIPP के अंडर में चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट, उसमें अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जो बिजनेस वो इंडिया में करना चाहती है। ये है पहला एस्पेक्ट। दूसरा, इन्होंने इसी में है कि इफ़ समवन हैज़ ऑलरेडी अ सिमिलर बिजनेस नेम। तो अगर मान लीजिए कोई इंडिया में कोई सिमिलर बिजनेस का नाम मिला, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के साथ बोलता हूँ कि अगर रिलायंस कंपनी है जो बाहर से या इंडिया में ही काम कर रही है, किसी एक सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है, मान लीजिए एडुकेशन में रिलायंस काम कर रहा है और सेम बिजनेस नाम जो है कोई और भी एडुकेशन में काम कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, देखना पड़ता है कि उस कंपनी ने पहले से ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाया है कि नहीं करवाया है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वो 20 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है और उसका ट्रेडमार्क में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट के पास उसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट से, या 10 साल बाद उसका रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल नहीं करवाया है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप वो नाम उससे ले सकते हैं या उस नाम से आप फाइल कर सकते हैं ट्रेडमार्क। और जिसका पहले जो पहले फाइल होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस ट्रेडमार्क में होता है, तो अगर वो नाम आपको देखना पड़ेगा कि पहले से अगर फाइल है ट्रेडमार्क में और उसको आर मिला हुआ है तब तो आप यूज़ नहीं कर सकते, और अगर वो नाम रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उस पार्टी ने फाइलिंग नहीं किया है, तो आप पहले जाके उस रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हैं और रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आप चाहें तो उसको भी, भले ही वो पुराना है, आप उसको भी नोटिस भेज सकते हैं और उसको भी या तो रॉयल्टी में के अंडर में ला सकते हैं या उसका ब्रांड नाम चेंज करवाने के इशू पे आप उसके साथ काम कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं या नोटिस भेज सकते हैं। ये तरीके से जो है ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट काम करता है। इसमें दोस्तों बहुत सारा स्टेप होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, सिर्फ सस्ता के चक्कर में मत जाइएगा कि ट्रेडमार्क का फीस 4,500 है तो 4,600 में आपका हो जाएगा, 4,800 में हो जाएगा, क्योंकि इसमें फाइलिंग करना, ऑब्जेक्शन देखना, हेयरिंग करना, फिर अगर मान लीजिए उसके बाद किसी का अपोजिशन आता है तो अपोस्ट फाइल करना, बहुत सारा टेक्निकल इशू होता है, मैटर होता है जो ट्रेडमार्क में होता है। CPA फाइल करना और मिल जाना ये देखने में लगता है मगर इतना आसान काम नहीं है। तो एक्सपर्ट अगर आपको कोई मिलता है तो ही इस सर्विस का उपाय कीजिए, नहीं तो मान लीजिए फाइल करना है तो आप खुद भी अपने नाम से CPA DSC बना के फाइल कर सकते हैं, गवर्नमेंट का फीस आपका बच जाएगा, मगर टेक्निकल पार्ट तो आपको नहीं पता ना कि क्या वर्ड लिखना है, कैसे फाइल करना है, क्या काउंटर फाइलिंग होता है, वो सब कॉपी आपको कौन देगा। बाद में जब आप करने जाइएगा तो पता चला कि अभी किसी ने आपको बोल दिया, सस्ता कर दिया, और वही चीज़ बाद में आपको 10 गुना महंगा जाके वो लेगा, क्योंकि कोई भी अपने प्रोफेशन में सर्विस में किसी को मतलब अपने जेब से थोड़ी लगा के कोई करेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का समय है, हम लोग भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, यूट्यूब ऑनलाइन ही बना रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो सिर्फ रेट डाउन करने के लिए या मार्केट में मतलब काम नहीं मिल रहा है उनको तो सिर्फ रेट गिराने के लिए बाहर से बैठ के, कहीं से बैठ के सिर्फ 4,500, 4,600, 4,700 इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और लोग झांसे में फंस जाते हैं, काम होता नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ट्रेडमार्क आपको मिलना चाहिए, उसका क्या सिस्टम है और क्या चांसेस है आपका, इस पॉइंट पे आपका उद्देश्य होना चाहिए। अगर मान लीजिए ट्रेडमार्क करना ही है और सस्ता सस्ता के चक्कर में घूमते रहिएगा और ट्रेडमार्क ना हो पाए तब तो वो पैसा भी बेकार हो गया ना। जो पैसा आपने 5,000 गवर्नमेंट को 4,500 फीस दिया, कंपनी है तो 9,500 फीस दिया, वो तो बेकार हो गया। तो सस्ता के चक्कर में पता चला कि पूरा पूंजी ही आपका डूब गया। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के काम लीजिएगा जब भी ट्रेडमार्क का विषय आए। अगर हम लोग सर्विस लेना चाहते हैं तो 9230222490 पे व्हाट्सएप कीजिएगा,
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लिख दीजिएगा नीचे, तो हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर देंगे। और नहीं तो सिर्फ कंसल्टेंसी लीजिएगा, तो वो पेड सिस्टम होता है, तो उस पर आपको चला जाएगा मैसेज 750 रुपये का फीस दे के आप बात कर सकते हैं। फ्री में कोई काम नहीं, कोई बातचीत नहीं हो सकता। जो बताना था क्लियरली हम लोग बता देते हैं। ये वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बहुत सारा चीज़ दूर हो गया। कोई क्वेश्चन है कमेंट में छोड़ दीजिएगा, हम लोग उस पर भी वीडियोज़ बना के आपको दे देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।